Fish. Wow, look at that. अल्लाह हाफिज़ सर्दी बड़ी है, ठंड बड़ी है। चलो जी आ गए हम वेजिटेबल शॉप पे। यहाँ होपफुली हमें करेले मिल जाएंगे। हमने पड़े हैं, नज़र नहीं थे आ रही। ये पड़े ये लो, ये डालो इसमें। देखो ओए होए होए 9.99 के किलो। चलो क्या लेना था? खीर मिक्स लेना था। खीर मिक्स किधर है? क्या पुलाव? ये मैंने लिया है राइस फ्लेक्स। खीर मिक्स लजीजा की मैं ले रही हूँ। दो खीर मिक्स ले रही हूँ। दो गोल गप्पे तीन। हाँ हाँ अब तो सब्जी आटा जिस चीज को हाथ लगाओ ना वो चीज ऊपर महंगी है सब कुछ। हाँ बे इंतहाई। चलें जी थैंक यू। अब हम आए हैं आजडा। मेरा इयररिंग पता नहीं कितने डिग पे। हाय देखो तो अब यहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर। अब यहाँ से कुछ वेजिटेबल्स लेती हूँ वो बनाओ। चल ये हमारी शॉपिंग, रख लो इसको। ब्राउन शुगर नहीं मिली। ये देखें जी ये है खीर का सामान। इसमें ये कितने पॉइंट मिल्क है? 6.4 पॉइंट मिल्क है, पर मुझे लगता है सिर्फ यही जाएगा। एक पैकेट गाजरों का जाना है। तीन इसमें मैं लजीजा खीर मिक्स डाल रही हूँ। ये क्रीम जाएगी और ये जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। आए हाय एवं नीचे बिच जानी। मतलब तुसी बिच चिली सॉस भी पा दो तो ठीक है। ये सारी चीज़ें इनसे मैं बनाने लगी हूँ खीर। हाँ जी अभी आई हूँ बाहर से सामान लेके, करेले लेके। तो जिस तरह के तुहानू पता है कि मामू ने आना है और मामी ने आना है। साढ़े मामू मामी ने सानू कदी भी साढ़े माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दिती। उन्होंने बिल्कुल बेटियां तरह हमेशा इंज लगा कि अपने माँ बाप आए ने। असी फोन करिए ना करिए, टाइम होए ना होए, वह हमेशा फोन करके सानू साडा हाल जरूर पुछणगे। और इन्ना भी कोई अपना होए कि कभी कवे ही ना कि तुसी फोन नहीं किया, इन्ना प्यार करते हैं। तो बस आज बड़े शौक से माशाल्लाह उनके लिए तैयारी हो रही है खाने की। आप देखें अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे हो रही है खीर की तैयारी। और 6 पॉइंट्स मिल्क जो है वो हमने डाला है। और इतने एक पैकेट गाजरां दा, एक किलो गाजरां ने मेरा ख्याल है, जिहड़ा एक पैकेट गाजरां दा हुंदा उहदे च इलाचियां और बटर पा के उहनू चंगी तरह भुन के उहदा पानी सुका लेना असी ते उहनू साइड ते कर लेना। इहदे च 3 खीर मिक्स दे डिब्बे खोल के असी दुध च पा छड्डे ने ते इहनू असी हुण कमाई जाणा। 2-3 उबालियां तों बाद असी गाजरां जिहड़ियां ने उह वी इहदे च मिक्स कर देणियां ने। रंग वेखो किड्डा सोहणा निकलिया। चलो मैं कहा जिन्नी देर इह पकदियां ने उन्नी देर मैं करेले जिहड़े ने ना उह कर लवां। तो बस साथ साथ ये पक रही थी, साथ साथ मैंने यहाँ पे करेले काटे, करेलिया के उत्ते तोड़िया नमक और इसको जो है ना फिर मैंने रख दिया। मैं क्या चलो ए हो जाए, फिर मैं कटने शुरू किए प्याज जड़े मैं कल दी कुकिंग च इस्तेमाल करने सन। तो बस जी प्याज इस तरह से काट के ढेरों ढेर प्याज काट के मैंने इस तरह से ये बैग जो है ए मैं जड़ा करेलिया के नाल प्याज फ्राई करना उसका पैकेट बना के मैं इस तरह रख लिया। इनू साइड पर किया तो मैं क्या चलो ए जड़ा दूसरा प्याज जड़ा मैं करेलिया के गोश्त में पाना सी ए मैं वह कट के उत्ते मैं सारा लिख लिया ताकि सुबह मैं कित मिक्स ना हो जावा। तो मैं क्या हम खीर च भी चमचा फेर लवा कि थले ना लग जाए। तो बस ए मैं फिर शायद भिंडिया वास्ते जोड़ा है वह कट के रख लिया। तो इस तरह ही प्याज जोड़ा है सारा पैकेटों के असी करके अपना रेडी फड़िया इनू। तो मैं क्या इन्हू हम मैं रखा फ्रिज, मेरा प्याजा का तो काम मुक गया और इन मैं फिर फ्रिज रख के कर दिता बंद। इधर मैं करेलिया नमक लाया सी, मैं क्या इन्हों मैं चंगी तरह मल के इन्हों मैं धो लवा। करेले मैं छिले नहीं, वे करेले महंगे ही इन्ने सन। तो बस आ वेखो ए भी धो के साइड पर कर छे। जेड़े वेले पानी इन्हों का नुचड़ गया तो मैं इन्हों भी बैग में पा के बैग में सील करके मैं क्या इन्हों मैं फ्रिज में रख दिया।
लो जी करेलियां दा भी कम हो गया। फिर वारी आ गई भिंडियां दी, भिंडियां भी धो लईआं, भिंडियां नूं चंगी तरह कपड़ा लैके मैं इस तरह कर लिया, सुका लिया ते मैं कहा चलो हुण भिंडियां भी कट लईए। ऑर्गेनाइज होना बहुत अच्छा है, तुहाडा घर साफ सुथरा होए ना तुसीं खाणा आराम नाल पका लैंदे हो। और मेरी यह शुरू तो आदत होंदी सी, मैं ना लिस्ट बनाउंदी होंदी सां कि मैं किहड़ा किहड़ा काम करना है ते की करना है, सफाई करनी है, चावल पिहोणे ने ते प्याज ब्राउन करके रखने ने बैडिंग जाके वो चेंज करनी है। इस तरह ना मैं दो तीन दिन पहला किसी ने आना होंदा सी ना मैं पूरा उहदा प्लैन करदी सां कि मैं किस तरह करना है। तो फिर जिहड़े दिन इत्थे दावत होंदी सी उस दिन मेरा घर भी साफ सुथरा होंदा सी, मेरा खाना भी बिल्कुल परफेक्ट गर्म गर्म सर्व होंदा सी ते मैं आप भी बिल्कुल ठीक हुंदी सां। ऐ नहीं सी हुंदा कि भई मैं खाना पकाया तो मेरी अपनी हालत खराब हुई है या घर च गंद पिया। इन्हां चीज़ां दा ना बहुत ख्याल रखिया करो कि एक दिन च नहीं हो जांदा। हुण ऐ मैं ते खैर मेरे कोल टाइम ही बहुत थोड़ा सी, लेकिन दो घंटे का बस काम है, तुसीं दो घंटे जिस तरह ऑर्गनाइज कर लो। हुण कल जे एक बजे मैं सारा लंच सर्व करना बनाना है तो मैनू कल पकाने च टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चीज़ा, क्योंकि मेरे को हर चीज़ रेडीमेड बनी होएगी। भिंडियां कटियां होणगियां, करेले धुप के वह बने ने, प्याज जिहड़े ने वह कट्टे पे ने, लसन अदरक वह भी मैं करके रख लाँगी। तो इस तरह ना ऑर्गनाइज होया करो, लेकिन लास्ट मिनट पर भी इस तरह मेरे हाल उहदे च भी थोड़ी जी ऑर्गनाइजेशन तुहानूं चाहिए। वेखो हुण जिन्नी देर तक साडी खीर तैयार होई है, खीर ऑलमोस्ट डन है, जिन्नी देर तक साडी खीर तैयार होई है उन्नी देर च मैं सारा सब्जियां हर चीज़ बना के कल वास्ते रेडी कर ली है। टाइम जिहड़ा है वह बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होया। ये भिंडी को भी इस तरह से मैं इसमें डाल के रख दूंगी सारी भिंडी। वेखो यह भी कम हो गया, कितना आसान हो गई ना जिंदगी। ऐ कोई कर दे तो मैं कहनी हाँ होर ही आसान हो जाए, पर अल्लाह अम्मी कहते ना अपने नैन प्रैन सलामत रखे है ना, नैन प्रैन सलामत रखे तो बंदा आप ही कर लवे सारा कुछ। लें जी देखिए हमारी भिंडी कितनी जबरदस्त हो गई रेडी। इसको भी मैं ऐसे रख लिया, मैं कहनी हाँ लेट सो जाओ पर सुबह सुकून की होगी। ये जी हमारी भिंडी गई, सब कुछ इसमें हाँ जानी मेरी हेल्प कर रहा है इसको खोलने में। हाँ चलो इसको खोलो ऐसे ऐसे खोलो इसको। बस नाल नाल खीर जड़ी है वो रेडी होंदी जा रही सी, नाल दूसरे काम भी हो रहे सन। इस मैं कंडेंस मिल्क पाया, डबल क्रीम पाई थोड़ी जी, तो लो जी खीर नू साइड ते हल्की अग ते रख। चलो शाबाश देख यानी गार्लिक छील रहे हैं, गुड बॉय। बस जी खीर एक दो बालियां तो बाद खीर साड़ी हो गई तैयार, तो मैं जिहड़ा लसन अदरक बनाउंदी पई सां इह थोड़ा जिहा मैं रख लिया भिंडियां वास्ते, तो बाकी दा जिहड़ा है मैं क्या उहनूं जिहड़ा ना मैं ग्राइंड कर लाँगी। बस इहनूं मैं सारा कुछ पा के चंगी तरह धो के इस तरह थोड़ा जिहा पानी पा के मैं इहनूं करना ग्राइंड, क्योंकि कल फिर लसन अदरक की टेंशन मुक जाएगी। लो जी इह भी तैयार हो गया। फिर मैं पिस्ते बादाम जिहड़े ने पिस्ता ही है तो थोड़े जे नट्स मैं क्या इन्हों ग्राइंड करा हल्का जहा, बस दादड़ जहा जरा उत्ते पाना है कि कहते हैं खीर के उत्ते। ऐ मैं को बादाम ऑलरेडी बहरों मैं लिया सन इंज द ही मिक्स करके मैं रख लिया। तो लो जी खीर साड़ी हुई तैयार, इनू मैं क्या साइड पर करा तो बस चुल्हा गंदा हो गया, मैं क्या इनू मैं साफ कर लव, नहीं तो खीर जम जानी है जिते जिते डिगी है। किचन भी ना तुहानू फाड़ ही लैंदा बस बस जी मैं फिर वेखो किड्डा सोहना लियांदी अपना गिलास दा जिहड़ा ए बर्तन, मैं क्या इहदे च खीर पावां। हुण थोड़ी जी ठंडी हो गई है, अल्लाह जी नसीब करे अम्मी खीर बनांदे हुंदे सन ते एक एक प्लेट च खीर पा के फ्रिज रखदे हुंदे सन, एक एक प्लेट च जमांदे हुंदे सन, ते असीं उस तरह ही प्लेट जिहड़ी है ना वह खाई दी सी, कुछ डोंगे च पा के रखदे हुंदे सन। तो जो सा गां ने कोई वच्छा या वच्छी देनी ना तो जो दुध हों बोली बनती होंगी सी, वह भी बड़ी मज़ेदार होंगी सी। किन्ने किन्ने बोली खाधी है मैं मैसेज करके दस्यो। तो गां का जोड़ा पहला दुध हों ना सही, वो अम्मी हमेशा खीर बनाते होंगे सन, तो सानू इंज खीर जी है ना बड़ी चंकी लगती है। लो जी तीन डिशा बनिया तो मैं वेखो कि सोहनिया फिर सवार हूँ कल सारे खीर खावे।
मामू ने भी आना तुहानू मैं दस्या ते बड़ी उन्होंने चंगी लगती है खीर। पाकिस्तान खीर बननी ना तो इस तरह से देज की जड़ी है ना अम्मी ने देनी कि एलो ला लो खीरे दे उत्तों ते बड़ी मज़ेदार लगती होंगी सी खीर। उत्थे दी खीर दा अपना ही मज़ा सी। बस जी फिर इतों मैं प्याज काट के दूसरी फ्रिज रखे इतने रखी खीर। मैं क्या कितने खीर च प्याजा की स्मैल ना पै जाए यह भी बड़ा ही मसला बन जाता है। फिर मेरे को फिश सी मैं कहना मैं फटाफट मसाला बस शानदार ही लाया बिच पानी थोड़ा मिक्स करके तो इनू भी मैं मसाला ला के रख दिता। ये है सी बास तो बड़ी सोहनी है फिर ओवरनाइट मैरीनेट हुई तो बड़ी वधिया बनी। फिर किचन का सारा काम हो गया, खीर भी पक गई, प्याज भी कट गए, भिंडियाँ, करेले, जिंजर, गार्लिक, कैशनट सब कुछ कट कटा के मैंने रख दिया। ये देखें ऐ ना मैं एक दिन होर पहले चिट इस तरह लिख के रखी सी फ्रिज के उत्ते कि कद्दू गोश्त पकाना है, ईमेल करनी है, कीमा और बैंगन बनाने हैं। इस तरह लिख के कि ताकि मैं ऑर्गेनाइज रहाँ। और अब मैं निकालने लगी हूँ मीट कि मैंने क्या बनाना है ये देखना है। मैं मीट ज़रा निकालूँ ताकि मैनू समझ आए। चिकन का पुलाव बने और साथ बनना है आलू गोश्त। मेरी फ्रेंड भी हैं, कल मैंने उनकी तरफ भी खाना भेजना है कि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए माशाल्लाह कल काफ़ी लोगों के लिए तीनों क्यों गया कल काफ़ी लोगों के लिए खाना बन गया। ठीक है मैं ज़रा देखूँ इसमें दो चिकन तो पुलाव के लिए हो गए। ये की है पुठे पुठे पैकेट ना निकल आन किधरे भाई वो कहता दुकानदार बेचारा इतनी महंगाई कि वो कहता असी क्या कि असी सोने की दुकान पा ली है सब्जियां बेचण नालों। हाँ इसका बनेगा करेले गोश्त, इसका बनेगा आलू गोश्त, इसका बनेगा पुलाव। भाई मेरे मामू जो है ना कभी कभी आते हैं कभी कभी आते ने तो फिर जड़ा है ना असी कभी कभी इंज बनाई दा तो इसको अब मैं रखूँ डिफ्रोस्ट हो जाएगा सुबह और बाकी का प्रोग्राम सुबह। ठीक है मिलते हैं सुबह। लें जी गुड मॉर्निंग, अगली सुबह बहुत ही अच्छी। किधर है बाहर जाना शी आ जा मौसम अच्छा ना इसने भी बाहर जाना आ जा। गोश्त नू मैं सुबह उठ के सारा सोहना जिहा धो के मैं इनू रख दिता। मैं क्या हुण मैं तैयारी शुरू करा तो सब तो पहले मैं क्या कि मैं चावल जड़े ने ना वह प्यों छड़ा क्योंकि चावल जड़े ने ना एटलीस्ट 2-3 घंटे भी भिजे रहन तो बहुत ही सोहने बनते ने। एने लैला बासमती राइस ब्लैक बैग है तो यह मैं आसडा तो ले सन तो इन्हों मैं 4 कप चावल लैके उन्होंने प्यो के रख दिता। तो मैं हमेशा इंज करनी हाँ बेशक मेहमान ने शामी आना हो मैं पुलाव का मसाला तैयार करके रख लें तो एंड के चावल पा के टाइम तो रेडी हो जाते हैं। तो 3 प्याज जो इन्हों ब्राउन कर लिया वेद फिर खड़े मसाले पा के उन्होंने चंकी तरह भुन के पानी का छट्टा दे के तो बस जी असी सुट दी मुरगी। हूँ मुरगियाँ मैं 2 लिया सन ठीक है ये मैं ब्रेस्ट के पीस क्ड ले मैं क्या वो जरा सख्त हो जाते हैं तो वह मैं ना भिंडिया च पा लाँगी तो वह भी वधिया बन जाएगा। तो यह वेखो लसन पा के भुन के गरम मसाला क्रश चिलीज नमक तो थोड़ा जहा थोड़ा जहा पुलाव मसाला से वह ये पाया। 3 टमाटर डाल के इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। 2-3 कटियां हरिया मिर्चा वह पा दतियाँ तो 4 कप चावल सन तो मैं ये 5-6 कप ये मैं पानी पाया। तो एलो जी इधर हूँ मैं रखन लगी जे करेलिया वास्ते गोश्त मैं क्या इनू मैं रख देव बंद करके इन मैं बाद चो पकावगी एक पासे करके हांडी इतने हूँ रखन लगे हाँ जी असी करेलिया वास्ते गोश्त असी पा के लसन अदरक जड़ा है वह ये सुटिया प्याज पैकेट च कटिया कटाया और सुटता 3-4 टमाटर सुटे ऐ सुटियाँ लाल मिर्चा हल्दी नमक भी तूड़ दिया हमने इसके अंदर सूटा तेल और इसको मैंने लगा दिया प्रैशर। बस इनू हूँ जड़ा ना भुनना मैं करेलिया के बेच ही है तो इनू मैं प्रैशर ला के इतने मैं रखन लगी हाँ आलू गोश्त की तैयारी कर लगी हाँ। प्याज ब्राउन करके लसन अदरक वो ये पा लिया थोड़ा जहा जीरा पाया ये हमने इसमें गोश्त डाल दिया ऐ कोई मेरा ख्याल है 1 किलो होएगा नमक मिर्च हल्दी सुक्का धनिया जीरा वो ये पा के इनू चंगी तरह भुन लेना। इस तरह पक्या आलू गोश्त भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। कोई 4 टमाटर ये पा के इन्हों भुन के ये पानी पा के मैं इनू
दूसरे चुल्हे ते जाके पकण वास्ते राह दिता ताकि इत्थों चुल्हा फ्री होए ते मैं इत्थे फटाफट करेले जिहड़े ने ना वो तैयार करा क्योंकि करेलियां दा जिहड़ा है मैं गोश्त वह मैं रख दिता है इंस्टेंट पॉट विच पकण वास्ते। इत्थे करेले थोड़े जे ब्राउन करके वेखो प्याज कट्टे सन ना किन्नी आसानी हो गई। तो इधर गोश्त साडा इंस्टेंट पॉट विच बड़ा सोहना गल गया तो बस मैं करेलियां च पा के उन्हें चंगी तरह भुन के उत्ते दही पा के तो बस इनू मैं जिहड़ा ना दम ते रख दिता तो बड़ा ही शानदार दम लग्या। तो बस हांडी इनू असी दम ते रख देना। तुसीं वेखो किन्नी जल्दी जल्दी चीज़ां जिहड़ियां वह बनिया और किन्ना ही आराम होया। बस जी 5 मिनट बाद इनू सारे नू मैं मिक्स कर दिता इस तरह तो इनू मैं कर दिता साइड। तो इत्थे होण लगी जे भिंडियां दी तैयारी। तेल पा के असी प्याज जिहड़े ने वो इहदे विच सुट दिते ने। इत्थे हुण मैं टमाटर कटदी पई आं। प्याजां ते टमाटरां नू असी बस ब्राउन नहीं करना इंज सोहना जिहा कर लेना भी थोड़े जे नरम हो जाण। तो बस जी इन्हां नू कढ लिया साइड ते। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ। ਭਿੰਡੀਓ ਕੋ ਹਮਨੇ ਸੋਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਕਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਅਜੇ। तो ये बोनलैस पीसिस थे जो मैंने निकाल लिए थे उसमें से। तो इनू लसन प्याज दे नाल असी सोहना जिहा फ्राई करके थोड़ा जिहा पानी पा के चंगी तरह भुनना इनू। इहदे च नमक मिर्च और हल्दी बस डाल के तो इसको अच्छी तरह से भुने कि इहदा रंग जिहड़ा ना गोश्त दा वह बहुत सोहना हो जाए। दही पा के इनू फिर चंगी तरह भुनना। दही डाल के इसको अच्छी तरह से भून के इसको हल्की आग पर रख दें ताकि गोश्त चंगी तरह गल जाए। जिहड़े गल गया उस वेले असी भिंडियां सारिया ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੰਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਢੱਕਣਾ ਦੇ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ। तो लो जी हुण मैं क्या इहदे विच मैं धनिया पा देवां। तो यह भी हांडी जिहड़ी है ना साइड ते होए। बड़ी गर्मी लगी आए हाय हाय। ये देखे ज़ैनब खड़ी, किसी ने क्या थी ज़ैनब घर में हर वक्त बुरका पहन के रखती है। मैं क्या नहीं, उसकी छुट्टियां वो नमाज पढ़ती है ना तो फिर वो सारा दिन उसे पहन। ये देखे ज़ैनब है वो हम तो देख भी आए हैं, हम देख भी आए हैं। 12:15 बजे घर देख रहा था, घर देख के सीधा इधर फिर बाजी की तरफ आए हैं। पूछ मामू उनके कितने पहुंचे ही नहीं, जाए पहुंच गए। हड्डियां गर्म हो रही हैं। चलें 5 मिनट में आ रहे हैं मामू। अब हां वो नंबर वे कैंसी की शर्ट पहनी हुई है, लगता है उसमें सी फोर ये भी आता है। हां वे मामू, आई मामू मामू जी ये देखे क्या लेके आए हैं। मामू जी आ गए तो मैं क्या फटाफट चावल जिहड़े ने ओह रखा ताकि गर्म गर्म फिर असीं चावल जिहड़े ने ओह सर्व कर सकिए। अब चावलों को मैं लगाने लगी हूँ दम। देखो उबालियां मारते पे ने चावल। चावलों को दम यहाँ पे लग रहा है। मामू आ गए हैं फटाफट कावा रोटियां और फिर हम लंच सर्व करेंगे। हाय नहीं पौने नु आग लग गई, छाबे नु भी लग गई। व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे। इत्थों भी धुआं निकलन डिया अज, बच गया अज नहीं ला सड़ गया। चलो हुण ये देखो रोटी कैसे फूलती है। कोई किसी दिन कहते बस आटा गूंदना सिखाए, रोटी भी पकानी सिखाए। मैं कह जड़े वो सिखाई तो किसी ने कहना लो ये आप क्या सिखा रही हैं, ये तो सबको आता है। तो जिन्होंने आंदा है ना बस फिर जिन्होंने नहीं ना आंदा उन्होंने नहीं आंदा। और ये तो है जिनको नहीं आता उनको ही आता है बस। अल ये देखें फूल होने के बावजूद रोटी फूली है। ये देखें जी जबरदस्त रोटी। किनिया रोटियां पका लो, 5 ते पकाओ।
चलो ये मेरी फ्रेंड के लिए जा रहा है। अच्छा। मैं आपको दिखाते हैं चलो ऐवी हो गया। ये मेरी फ्रेंड के घर जा रहा है खाना। चल ये और चलो ले जो ले जो ले जो करेले गरम हो रहे हैं बढ़िया किस्म के और अभी हम इनको सर्व करेंगे। सारे खाना खान बैठ गए तो मैं क्या फटाफट मैं फिश फ्राई करा क्योंकि गरम गरम फिश का ही मजा आता है। तो फिश जी बड़ी ज़बरदस्त महल 7 मिनट लगे इनू फ्राई होने और बड़ी ज़बरदस्त बनी। फटाफट मैं इनू गार्निश किया और तैयार कर कुर के जाके मैं जाके सबसे पहले अपने मामू जान को दी के हेलो मामू जी गरम गरम फिश खाओ ते ले ले ले। फिश आई फिश अभी आएंगे पिक करने तो फिर ये भेजूंगी ये देखें। और यहाँ पे रोटियां कम पड़ गई है ना रोटियां पका रही है इधर साढ़े चूल्हे का देखो की हशर हो गया आज। खीर ये है नान के ऐसे ये कोई दिया है आंटी ने फोन किया वो उठा ही नहीं रहे कोई। ये है जी खीर गजरेला जबरदस्त एक है खाली फ्री वाली मैं आपको देती हूँ। ये इस दूसरी जो है ना फिर वो नहीं 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 ये देखें जी खीर खत्म शुद्ध है मामू कहते हैं वो जी खीर किधर नहीं लबनी है मामू जी मैं तो सारी बिक गई है बड़ी स्पीड में खीर मुक्की है थोड़ा
और थक उठ गए हैं। बस अब मामू तो चले गए, अब बस हिना भी कह रही इसने भी जाना है, तो बस फिर उसके बाद अब पीछे में टीम लगा है। चलो जी जा रहे हैं केक लेके। चलो के जी अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज।